फ्रेश सुबह सब कोमल में आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ जो कि है बकरे का सिरा, या आप इसे बकरे की मुंडी भी कह सकते हैं। इसकी रेसिपी ना काफी ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और बिल्कुल इजी तरीके से मैं बताऊंगी, और ऐसा तरीका कि जिसका स्वाद आपकी जबान से जाएगा ही नहीं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर किया कीजिए और चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब किया कीजिए। तो चलिए देर किस बात की, आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर हमने ना बकरे का सिरा ले लिया है और इसको हमने ना अच्छे से धो लिया है। तो ये देखिए, मैं आपको एक बार सामने से दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसको 2 से 3 बार अच्छे से ना क्लीन कर लिया है, इसको धो के साफ कर लिया। और ये है बकरे का सिरा, ये जो आप देख रहे हैं, और ये है इसकी मीट जो हमने कट करके रख लिया है। तो ऑलरेडी मैंने इसको कट कर लिया था, आप चाहे तो दुकान वाले को बोल सकते हैं, वो कट कर देगा। तो चलिए इसे मैं रखती हूँ साइड में, क्योंकि इसको मैंने धो लिया तो इसे साइड में करते हैं। और अब मसाले की तैयारी करते हैं, तो इसको अब हमें रख देना है साइड में और चलते हैं मसाले की तैयारी करने की तरफ। तो इधर हमने लिया है ग्राइंडिंग जार और अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि है 2 बड़े साइज के प्याज। तो इधर ना मैंने प्याज को देखिए पहले ही छील कर थोड़ा सा मोटे मोटे तरीकों से ना कट करके रख लिया था। तो प्याज थोड़ा सा ज्यादा डालिएगा क्योंकि ग्रेवी के लिए प्याज हमें जरूरी है। और एक प्याज को मैंने ना कट करके साइड में रखा था, तो एक प्याज को मैंने कट करके साइड में रख लिया, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। और इधर ना मैंने लिया है करीबन 6 हरी मिर्च। अगर जो आपके पास हरी मिर्च ना हो ना, तो आप इसके जगह लाल वाली जो मिर्च होती है ना, सूखी वाली, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको भी मैंने डाल दिया है। और इधर मैंने देखिए करीबन 15 से 20 नल लहसुन की कलियां लिया है, और इसको भी मैं डाल दूंगी इसमें जार में। और ये मैंने 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, तो इसे भी डाल देंगे। तो थोड़ा सा मेरा जार ना भर गया था। और अब इसमें हमको डालना है थोड़ा सा गोलकी और जीरा, साबुत जीरा और काली मिर्च। तो इधर देखिए मैंने करीबन 1 बड़ा चम्मच अभी लिया है, सॉरी दोस्तों 1 छोटा चम्मच, और ये 1 छोटा चम्मच और ले लिया है। तो करीबन मैंने 2 छोटा चम्मच के करीब ले लिया है। तो अब इसमें हमें डालना है बस पानी। तो चलिए इसमें थोड़ा सा अब हम डालेंगे पानी। तो थोड़ा सा पानी, बस थोड़ा सा ही हमें डालना है, ज्यादा हमें नहीं डालना है। बेसिक से मसाले हैं, इसे हमें डालकर अच्छे से ग्राइंड करना है। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, और आप चाहे ना तो इसमें साबुत जो धनिया होती है वो भी डालकर ग्राइंड कर सकते हैं, पर मैं इसमें धनिया का पाउडर डालूंगी। अगर जो आपके पास पाउडर ना हो तो आप इसमें साबुत धनिया भी डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने बता दिया, बस बेसिक से मसाले हैं, इसे ग्राइंड करते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो चलिए इसे करते हैं ग्राइंड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मसाले को हमने अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है, और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ना मसाला हमारा ग्राइंड हो चुका है। तो अब मसाले को रखेंगे अब हम साइड में। और ये जो हमने आपको कहा था कि एक प्याज को मैंने देखिए स्लाइस तरीके से कट कर लिया, तो ये मीडियम साइज का प्याज है, और इसको ना हमें मीट में काम आएगा, जब हम मीट को भूनेंगे तो इसमें ना काम आएगा। तो इसीलिए मैंने एक ये प्याज को कट कर लिया था। तो चलिए अब देर किस बात की, अब हम चलते हैं बनाने की तरफ, क्योंकि हमारा मसाला भी तैयार है और प्याज भी कट गया। तो देर किस बात की, चलते हैं किचन में और जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को कंप्लीट करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे की प्रोसेस। तो चलते हैं दोस्तों। तो इधर हमने ले लिया है एक कढ़ाई, और कढ़ाई को रखा है गर्म होने के लिए। तो ऑलरेडी ना मैंने गैस को ऑन कर दिया था और फ्लेम को अभी हमने हाई रखा है। तो हाई फ्लेम पे अभी हमें रखना है गैस को, क्योंकि इसमें हमने डाला है सरसों का तेल। और ये ग्राम में देखें तो सरसों का तेल मैंने लिया है करीबन 100 ग्राम के करीब, और एक डाल दिया इसमें तेज पत्ता। और अब देखिए अच्छे से तेल हमारा गर्म होना शुरू हो गया, तो इसमें डाल देंगे एक प्याज। तो इसको मैंने पहले स्लाइस तरीके से कट कर लिया था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और ये हल्का सा जब भुन जाए, बिल्कुल हल्का सा, इतना देखिए इसका कलर जब हल्का सा चेंज होने लगे, तब इसमें हम डाल देंगे बकरे का सिरा जो हमने अच्छे से धोकर रखा था। तो एक एक करके सभी मीट को हम डालते जाएंगे। तो इधर हमने डाल दिया, और अभी हमने फ्लेम को हाई रखा है, हाई फ्लेम पे अभी हमें मीट को अच्छे से भूनना है। तो चलिए अब इसे अच्छे से अब हम भूनते हैं। तो बस थोड़ा सा हमें भूनना है इसे, इससे ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट जब हो जाए भुने हुए, तो इसमें हम ऐड करेंगे मसाला जो हमने ग्राइंड करके रखा था ना, उस मसाले को डाल देंगे। और हल्का सा हमारा जार में मसाला लगा हुआ था, तो मैंने
हल्का सा इसमें पानी डालकर ऐड कर दिया है। तो रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। और चलिए इसे अच्छे से अब हम मिला लेते हैं। और मिलाने के बाद अभी हमें फ्लेम को बिल्कुल मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से भूनना है मसाले को। और अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब लाल मिर्च का पाउडर और आधा छोटा चम्मच के करीब काश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आता है। और आधा छोटा चम्मच के करीब ही हल्दी पाउडर। अगर तीखा ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च आप एक छोटा चम्मच के करीब डाल सकते हैं। तो चलिए अब इसमें हम डालते हैं एक छोटा चम्मच के करीब धनिया पाउडर और इन सभी मसाले को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद बस अब हमें ढक कर मसाले को और मीट को भूनना है। तो चलिए इसे ढकते हैं और 2 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तो 2 मिनट हो चला है। तो चलिए इसका ढक्कन हटाते और आपको एक बार दिखा देते हैं। तो देखिए कितने मात्रा में इसने ऑयल को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो बस इसे अब अच्छे से हमें मिला लेना है। बिल्कुल अच्छे से चलाइएगा और अच्छे से चलाने के बाद फिर से हमें इसे ढककर 2 मिनट के लिए भूनना है। पर ढकने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसमें हमें खड़े मसाले डालने हैं। तो इधर हमने लिया है 3 हरी इलायची, 3 लौंग और 2 से 3 काली मिर्च और डालेंगे 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा। तो आप चाहे ना तो इन खड़े मसालों को जब प्याज भून रहे हो तब भी डाल सकते हैं, पर जब हल्का मसाला भून जाए उसके बाद डालिएगा ना तो इसका टेस्ट और भी ज्यादा दुगना हो जाता है। तो अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और नमक डालने के बाद बिल्कुल अच्छे से ना मिक्स कर लीजिएगा नमक को। तो चलिए अच्छे से बिल्कुल मिक्स करते हैं। बहुत झटपट सी बन जाती है ये रेसिपी। बस सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी मीट अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो 2 मिनट के लिए ढककर अब हम छोड़ देंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं इसको ढके हुए हमें 2 मिनट हो चुका है। और ढक ढक के भूनिएगा ना तो मसाला भी बिल्कुल अच्छे से भूनेगा और इसका जो खुशबू है ना वो भी बिल्कुल लाजवाब सा आता है। तो इसको मैंने एक बार खोल लिया और ढक्कन हटाकर एक बार अच्छे से फिर से मिला लेंगे। और अच्छे से ना ये हमारा भुन चुका है मीट। तो अब इसे हमें डालना है कुकर में। तो जो प्रोसेस मैंने कढ़ाई में किया है ना आप चाहे तो कुकर में कर सकते हैं। पर मेरी जो ये कुकर थी ना इसका ये आप मुंह देख रहे हैं थोड़ा सा ना छोटा था तो मुझे आपको दिखाने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए मैंने ना कढ़ाई में इसे भुना है। आप चाहे तो आप इसमें कुकर में भून कर इसी में पानी डालकर इसे पका सकते हैं, पर मैंने इसे कढ़ाई में अच्छे से भून लिया है और ये बिल्कुल ना अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम गैस को बंद करते हैं और बंद करने के बाद अब इसे हमें कुकर में डाल लेना है। तो चलिए कुकर में अब हम डाल लेते हैं। थोड़ा ध्यान से डालिएगा क्योंकि ये गर्म है ना अभी, इसीलिए थोड़ा धीरे धीरे करके हमें डाल लेना होगा। और अब हमें कुकर में पानी डालकर ना इसका ढक्कन लगा लेना है। तो अब चलिए कढ़ाई को पहले हम साइड कर लेते हैं और कढ़ाई गर्म है तो थोड़ा ध्यान से ही साइड कीजिएगा। तो कढ़ाई को हमने साइड कर लिया है और कुकर में अब हम डालेंगे पानी। तो इधर ना हमने देख रहे हैं टोटल ये अगर जो देखे 1 ग्लास से मैंने 1 बड़ा ग्लास के करीब पानी लिया है। तो इतना ही हम पानी डालेंगे और अगर जो बाद में हमें कम लगे तब हम डाल सकते हैं। तो वैसे मुझे कम लगा नहीं इसीलिए मैंने और ऐड किया नहीं है, बस इतना ही काफी है। और अब ढक्कन को लगाएंगे और ढक्कन को लगाने से पहले बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो है गरम मसाला। गरम मसाला अगर जो आपके पास शाही वाली हो ना तो कोशिश कीजिएगा शाही वाली डालने की। वैसे मेरे पास ना शाही वाली गरम मसाला थी इसीलिए मैं शाही वाली डाल रही हूँ। तो ये मैंने ना आधा छोटा चम्मच के करीब डाला है और अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच के करीब ही मीट मसाला। तो ये हमारी होममेड वाली मीट मसाला है इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। आपके पास मार्केट वाली हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने डाला है करीबन 1 छोटा चम्मच के करीब और इसे डालकर मैंने इसमें पानी पहले ही डाल दिया है और अब इसे मिला लेंगे अच्छे से मिलाकर। और अब ढक्कन लगाकर इसे अब हमें 3 सीटी आने तक ना इसे कुक करना है। तो चलिए इधर हमने गैस को कर लिया ऑन और 3 सीटी आने तक इसे हमें अच्छे से कुक करना है। तो फ्लेम को बिल्कुल मीडियम करके इसे सीटी आने दीजिएगा। तो इधर 1 सीटी ना आ चुकी है।
तो और दो सीटी हम लगा लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लो टू मीडियम में ही इसे 3 सीटी आने दीजिएगा, वरना हाई फ्लेम पे जब आप इसमें कुकर में सीटी लगाएंगे ना तो ये मीट अच्छे से पकेगी नहीं और अच्छे से पककर तैयार भी नहीं हो पाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फ्लेम को मीडियम टू लो करके ही 3 सीटी लगाइएगा। और रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो 3 सीटी आ चुके हैं, तो चलिए आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये हमारा बनकर मटन बिल्कुल अच्छे से तैयार है। मींस आप कह सकते हैं बकरे का सिरा या आप बकरे की मुंडी भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल अच्छे से पक कर तैयार हो गई, वो भी 3 ही सीटी में। आप भी सोच रहे होंगे कि मटन इतने आसानी से कैसे 3 सीटी में बन गई है, तो मैं आपको एक बार चेक कराती हूँ। तो आइए मैं आपको एक बार फास्ट दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से पकी है। इतने अच्छे से पकी है ना दोस्तों कि अगर जो बच्चे भी खाएं तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से खा सकते हैं। तो देख रहे ना कितने अच्छे से मैश हो रही है, कोई ये नहीं दोस्तों। तो देखिए ये भी देखिए कितने अच्छे से निकल रही है, ये देखिए दोस्तों बिल्कुल इजी तरीके से ये हमारी बनकर तैयार हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा ये टेस्टी सी बनी है। तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मेरे तरीके से ना बना कर देखिएगा। आप जितने भी तरीके हैं ना सभी भूल जाएंगे और इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट भी शेयर किया कीजिएगा। तो चलिए अब जाती हूँ मैं इसे खाने की तरफ और आप लोग भी बना कर देखिए और मुझे कमेंट में बताइए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।